नमस्ते सभी को, प्रणाम, जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि अभी सनातन धर्म में पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का पखवाड़ा अर्थात श्राद्ध पक्ष चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग श्राद्ध के सही स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो चार बिंदुओं में विभक्त रहेगा। पहला बिंदु रहेगा वीडियो का, जिसमें बताया जाएगा मरणोत्तर संस्कार क्या है। दूसरा बिंदु है मोह ममता कष्ट कारक कैसे होता है। और तीसरा बिंदु है बंधन मुक्ति कैसे हो। और चौथा है श्राद्ध संस्कार का स्वरूप। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वर्तमान समय में श्राद्ध की महत्ता क्या है, इस विषय को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य गुरुदेव का नाम लेकर के उन्हीं की वाणी से हम लोग इस पक्ष को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहला बिंदु की ओर, मरणोत्तर संस्कार क्या है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार मरने के बाद भी दिवंगत आत्मा घर के प्रति मोह ममता का भाव बना रहता है। दिवंगत आत्मा का यह भाव बना रहता है मोह के प्रति, उनके घर के प्रति। तो यह ममता उसकी भावी प्रगति के लिए बाधक है। जिस प्रकार पुराने वस्त्र को उतार कर या किसी वस्तु पदार्थ को बेचकर उसकी ममता से छुटकारा मिल जाता है, उसी प्रकार जीव के लिए उचित है कि पहले परिवार की ममता छोड़े। और प्रत्येक प्राणी जिस प्रकार अपने भले बुरे कर्मों का भोग भोगने और नए भविष्य का निर्माण करने में संलग्न है, उसी प्रक्रिया के अनुरूप अपना जीवन क्रम भी ढाले। आवश्यक ममता कर्तव्य पथ में सदा बाधक होती है। अनावश्यक जो ममता है वो बाधक बनती है। जीवन काल में जो लोग अधिक मोह ममता से ग्रसित रहते हैं, वे अपनी बहुमूल्य शक्तियों का जिनका सदुपयोग करने पर अपनी आत्मा, परिवार तथा समाज का भारी हित साधन हो सकता था, ऐसे ही खेल खिलवाड़ में निरर्थक खो डालते हैं, गंवा देते हैं समय। शरीर के बाद मनुष्य कुटुंबियों को ही अपना समझता है, बाकी सारी दुनिया उसके लिए वीरानी रहती है। वीरानों के लिए कुछ सोचने और करने की इच्छा नहीं होती, सारा ध्यान अपने लिए ही लगा रहता है। जो कुछ कमाता उगाता है सबका लाभ इस छोटे से दायरे के लिए ही बांध कर रखता है। इस अज्ञान मूलक ममता से घर वाले आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबन खोकर बिना परिश्रम किए प्राप्त की कमाई पर मौज करने की आदि हो जाते हैं। इच्छित मौज शौक के साधन न जुटा पाने पर गृह स्वामी पर क्रुद्ध होते हैं और उसका तिरस्कार करते एवं शत्रुता बरतते हैं। इसके मूल में गृह स्वामी की अवांछनीय मोह ममता ही है। यदि वह घर के लोगों के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने तक ही भाव रखे तो वे भी स्वावलंबी बने और गृहपति को अपने आध्यात्मिक एवं सामाजिक कर्तव्य पालन करने का अवसर मिले। यह हत्यारी मोह ममता कुछ करने नहीं देती। सारा जीवन अनावश्यक निरस निरर्थक गोरख धंधों में उलझा कर बर्बाद कर देती है। तो ये देखिए कि मोह ममता में ग्रसित होने का बहुत ही दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। अब आते हैं कष्टकारक मोह ममता अब कैसे होती है, ये देखिए दूसरा बिंदु। यही ममता मरणोत्तर काल में भी जीव के लिए बड़ी कष्टकारक होती है। उसका मानसिक शोक संताप इसी प्रपंच के कारण बढ़ा रहता है। कई बार भूत प्रेत आदि की योनियाँ उसे ममता वश लेनी पड़ती है और कई बार घर के मोह आकर्षण में वह छिपकली, छुछुंदर, चूहा, कुत्ता, जुआ, चिट्टी, मक्खी, चिंगुर आदि योनि धारण कर परिवार के लिए मरता फिरता गुजर करता है। सदगति एवं प्रगति की आकांक्षा को मोह ममता दबाए रहती है, इससे उससे आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता। उसी दुर्दशाग्रस्त अवस्था में पड़ा दिन काटता रहता है। वह मोह ममता ही प्राणी के लिए वास्तविक भावबंधन है। उससे छुटकारा भी उसे अपने जीवन काल में ही प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि अपने भविष्य निर्माण तथा कर्तव्य पालन के लिए कुछ भी कर सके। पर यदि वह अज्ञानी इस संकीर्णता के कीचड़ में लौटते रहने ही श्रेयस्कर समझता है, तो कोई उसके लिए करे भी क्या। जिंदगी तो हर आदमी अपनी इच्छानुसार ही बिताता है, पर मरने के बाद परिवार के व्यक्तियों का काम है कि उसे इस आवश्यक मोह ममता से
कि कुसंस्कार से छुड़ाने के लिए मरणोत्तर संस्कार का प्रबंध करे, तो ये मोह ममता से छुड़ाने का यह बेहतरीन कार्य है। श्राद्ध पक्ष में आप लोग कर सकते हैं। बंधन मुक्ति अब कैसे मिले, जो ग्रसित हैं मोह ममता से, अब उसका कैसे बंधन मुक्ति हो, अब तीसरा बिंदु पर आते हैं। इस संस्कार का उद्देश्य दिवंगत जीव को अपने भविष्य की तैयारी में लगने के लिए और वर्तमान कुटुंब से मोह ममता छोड़ने के लिए प्रेरणा देना है। बंधन टूटने पर ही मुक्ति होती है, अन्यथा जीव मरण जन्म मरण की फांसी में ही फंसा रहता है। परिवार वाले मृतक के लिए कुछ न कर सकें तो कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि उसे अवांछनीय ममता से छुटकारा दिलाने में सहायता करें। यह प्रयोजन मरणोत्तर संस्कार से पूरा होता है। होना तो यह भी चाहिए कि वयोवृद्ध व्यक्ति जब कमाने की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए, तब बड़े बच्चे घर को संभालने लगे, तो छोटे भाई बहनों को लालन पालन, शिक्षा दीक्षा आदि की जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंप कर स्वयं वानप्रस्थ आश्रम के अनुरूप अपनी गतिविधियाँ निर्धारित करें, आत्मकल्याण और लोक कल्याण के साधना में संलग्न हो। इस कार्य में घर के लोगों को भी सहायता करनी चाहिए। मोह जंजाल में फंसे पड़े घर घुस बूढ़े को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रेरणा देते रहना चाहिए कि वह मोह बंधनों से छुटकारा पाने और जीवन के अंतिम अध्याय का अधिक सदुपयोग करने में संलग्न हो। भले ही बूढ़ा बुरा माने, पर उसका हित उसी में है। इसलिए पितृ ऋण चुकाने के लिए जहाँ परिवार वाले अपने वयोवृद्ध की भोजन वस्त्र शरीर सेवा आदि की व्यवस्था रखें, वहाँ उससे उसके मोह जंजाल को काटने का भी प्रयत्न करें। यह वास्तव में उस वयोवृद्ध के साथ सच्चा उपकार है। भले ही वह उसका महत्व न समझता हो, घर के लोग अपनी यदि अपने वयोवृद्ध को विराट ब्रह्म की साधना करने के लिए लोक मंगल की वानप्रस्थ तपश्चर्या में संलग्न रहने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन एवं साधन देते हैं, तो यह निश्चित रूप से पितृ ऋण चुकाना ही है। मरणोत्तर संस्कार का यह भी एक अंग है। मरने के बाद मृतक भोज आदि में जो खर्च किया जाता है, यदि उसका धन वृद्ध व्यक्तियों के घर में निश्चिंत रहकर आत्मकल्याण की साधना में संलग्न होने के लिए दे दिया जाए, तो यदि यही कहा जाएगा कि परिवार के लोगों ने सच्चे अर्थों में पितृ ऋण चुकाया है और मरणोत्तर संस्कार किया। यानी कि आपको जिंदा रहते अपने वयोवृद्ध को यह प्रेरणा देनी है कि आप अपने आत्मा के कल्याण के कार्य में लग जाइए। तो अब जो संस्कार का स्वरूप क्या होगा, मरणोत्तर संस्कार जो होता है उसका वास्तविक रूप या वैज्ञानिक रूप क्या है, अब वो देखते हैं चौथे बिंदु में। शरीर समाप्त होने के 13वें दिन मरणोत्तर संस्कार किया जाता है। यह शोक मोह की विदाई का विधिवत आयोजन है। मृत्यु के कारण घर में शोक वियोग का वातावरण रहता है। बाहर के लोग भी संवेदना सहानुभूति प्रकट करने जाते हैं। यह क्रम 13 दिन में पूरा हो जाना चाहिए ताकि इसी लकीर को पीटने में समय और शक्ति का अपव्यय न होता रहे। शोक अज्ञान मूलक है, मरना सभी को है, जो सृष्टि का अनिवार्य नियम है। उसके विरुद्ध तूफान खड़ा करने से क्या लाभ। दिन के बाद रात होनी है और रात होते ही कोई चिल्लाए रोए हाथ पैर पीटे, उसे अविवेकी ही कहा जाएगा। जो अनिवार्य है सुनिश्चित है, उसके लिए तो सभी को पहले से ही तैयार रहना चाहिए और समय आने पर खुशी खुशी उस ईश्वर इच्छा को पूरा होने देना चाहिए। मरने के बाद जितना कम शोक मनाया जाए उतनी ही विवेक की विजय मानी जाएगी। जो जितना सिर पीटते हैं वे उतने ही अविवेकी हैं। प्रचलित धर्रे के अनुसार जन्म के समय हंसने और मरने के समय रोने की मान्यता है, तो यह भी सकता है कि जन्मने के समय रोया और मरने के समय हंसा जाता। जो किसी की गोदी खाली करके आया है उसे रोना पड़ रहा होगा। जीव को भी प्रबुद्ध सुविकसित शरीर छोड़कर यह छोटा सा अशक्त शरीर मिला है। इसमें यह बालक तथा उसके पूर्व परिवार की हानि ही हुई। इस प्रकार इस पर सहानुभूति स्वरूप रोया जा सकता था और बूढ़ा व्यक्ति अशक्त शरीर छोड़कर किसी नए सुकोमल शरीर में प्रवेश करेगा, यह आनंद लेगा और जरा जीर्ण शरीर में संभव न थे तब की अपेक्षा आगे
अधिक सुविधा ही मिलेगी यह सोचकर मृत्यु के समय हंसा भी जा सकता था, पर जो ढर्रा चल रहा है उसी पर लुढ़कना पड़ेगा। मृत्यु को शोक का विषय मान लिया गया है, यह तो मान्यता देर तक बनी ही रहेगी, किंतु इतना तो होना ही चाहिए कि शोक मनाने का लोकाचार एक नियत अवधि तक ही सीमित रखकर तत्पश्चात उससे पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए। यह अवधि 13 दिन की पर्याप्त है। शोक संताप की विदाई का आयोजन मरणोत्तर संस्कार के रूप में मनाया जाता है। मृतक के शरीर से अशुद्ध कीटाणु निकलते हैं, इसलिए मृत्यु के उपरांत घर की पुताई सफाई करनी आवश्यक होती है। दीवारों की पुताई, जमीन की धुलाई, लिपाई, वस्त्रों की धुलाई, वस्तुओं की घिसाई, रंगाई आदि ऐसा क्रम बनना न पड़ता है कोई छूत का अंश शेष न रहे। यह कार्य धीरे धीरे न हो वरन 13 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि उस दिवंगत आत्मा का मरणोत्तर संस्कार भी किया जाना है। 13वें दिन मरणोत्तर संस्कार की ऐसी व्यवस्था की जाए जैसी अन्य संस्कारों की जाती है। आंगन में यज्ञ वेदी बनाकर पूजन तथा हवन सारे उपकरण इकट्ठे किए जाएं। मंडप बनाने या सजावट करने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति ने दाह संस्कार किया हो वही इस संस्कार का मुख्य कार्यकर्ता यजमान बनेगा। वही दिवंगत आत्मा की शांति सदगति के लिए निर्धारित कर्मकांड कराएगा और शरीर और वस्त्रों को शुद्ध करके यह आवश्यक कृत्य कराए जाए। ओम करने भी ही ओम भद्रम करने भी यह मंत्र बोलते हुए अक्षत फेंकते हुए यजमान को आसन पर मंगल कामना के साथ बिठाएं और फिर पवित्रीकरण आचमन शिखाबंधन प्राणायाम न्यास पृथ्वी पूजन यज्ञोपवी धारण आचरण आचार्य वरण तिलक यजमान वरण तिलक संकल्प पंचामृत बनाना और पिलाना उपयोग में आने वाले सभी वस्तुओं का मार्जन दीप पूजन कलश पूजन देव पूजन नमस्कार और षोडशोपचार पूजन चंदन धारण स्वस्ति वाचन एवं रक्षा विधान तक सारे कृत्य उसी प्रकार किए जाएं जैसे कि सामान्य गायत्री हवन में किए जाते हैं। इसके पश्चात इस संस्कार के विशेष कृत्य आरंभ किए जाएं। एक छोटी सी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर चावलों की छोटी ढेरी लगाएं, उस पर दीपक रखें। इस दीपक के आसपास पुष्पों का घेरा गुलदस्ता आदि शोभा बनाएं। छोटे छोटे आटे के ऊपर बाती वाले घृत दीप के किनारे पर बॉर्डर की तरह सजा दें। यह पितृ आवाहन की वेदी है और उपस्थित लोग हाथ में अक्षत लेकर मृत आत्मा के आह्वान की भावना करें और प्रधान दीपक की लौ उसे प्रकाशित हुआ देखें इस आवाहन का मंत्र ओम विश्वे देवास आगत है। सामूहिक मंत्रोच्चार के बाद हाथों में रखे चावल स्थापना चौकी पर छोड़ दिए जाएं। अवाहित पितृ का स्वागत सम्मान षोडशोपचार पूजन के साथ किया जाए। इसके बाद आसन नम समर्प्यामि आदि वाक्य भी हैं। इस और यदि अवकाश हो तो पुष्प सूक्त 16 मंत्रों में षोडशोपचार पूजन भी किया जा सकता है। तो इस तरह से बहुत ही संक्षिप्त कार्यक्रम आप मरणोत्तर संस्कार में रख करके और अपने पूर्वजों को विदाई दे सकते हैं, उन्हें मोह के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। तो आगे इसका जो और भी कर्मकांड होगा इसको मैं द्वितीय वीडियो के द्वितीय भाग में आपके लिए लाऊंगा। तो आज के लिए यहीं पे इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। आज के वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आप क्या समझते हैं इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। और ये जो संस्कार मरणोत्तर संस्कार का जो वास्तविक स्वरूप आपको गुरुजी ने बताया है यह सब कोई अपनाइए ताकि आज के जो रूढ़िवादी मान्यता है कि लोगों को खाना खिलाना है, इतना दान करना है, ये करना है, वो करना है, इन सभी बातों को मैं आगे आने वाले वीडियो में खुलासा करूँगा क्या करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में। सभी को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।